क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम बात करते हैं दिष्टधारा जनित्र की। दिष्टधारा जनित्र किसे बोलते हैं, कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है तथा इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं डीसी जनित्र के सिद्धांत की। डीसी जनित्र का सिद्धांत है वो क्या है? तो दोस्तों, डीसी जनित्र है उसका सिद्धांत है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। जो अपना डीसी जनित्र है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, जो चुंबकीय सिद्धांत है वो क्या है, जो प्रेरण का सिद्धांत है वो क्या है, वो यह है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को लगातार घुमाया जाता है तो उसमें से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे हम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों, डीसी जनित्र है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर एक हम कहते हैं डीसी जनित्र, एक होता है डायनामो। सिंपल में एक जनित्र होता है, एक डायनामो होता है। जनित्र किसे बोलेंगे? जनित्र उसे बोलेंगे कि यदि किसी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे हम बोलेंगे जनित्र। अब बात करते हैं डायनामो की कि डायनामो किसे बोलेंगे। तो डायनामो उसे बोलते हैं यदि कोई यांत्रिक ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में, वहां केवल विद्युत ऊर्जा थी, यहाँ है डीसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो उसे बोलेंगे डायनामो। अब दोस्तों, हम डीसी जनित्र की मौलिक आवश्यकताओं की बात करते हैं कि डीसी जनित्र है उसमें मौलिक आवश्यकताएं किन किन चीजों की होती है। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो डीसी जनित्र है उसमें मौलिक आवश्यकताएं क्या है। तो मौलिक आवश्यकताओं में आती है चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, कम्यूटेटर, बस, और एक होता है यांत्रिक ऊर्जा। इसमें हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र है जो कैसे पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। तो हम जैसे ही वाइंडिंग करते हैं, इसमें दो वाइंडिंग होती है, श्रेणी वाइंडिंग और एक समानांतर वाइंडिंग। उनके मध्य में आर्मेचर को घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अब बात कर लेते हैं हम कि जो डीसी जनित्र होते हैं उसके भाग कौन कौन से होते हैं, डीसी जनित्र के भाग कौन कौन से होते हैं। इसमें हम डीसी जनित्र के दो भाग देखते हैं। पहले कौन सा? एक होता है स्टेटर। ये जो स्टेटर है, स्टेटर किसे बोलेंगे? स्टेटर उस भाग को बोलेंगे जो स्थिर रहता है, जो हिलता डुलता नहीं है, उस भाग को स्टेटर बोलते हैं। अब इसका कार्य क्या होगा सर? इसका कार्य यह होगा कि जो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसे यह पथ प्रदान करेगा। बस इसका एक कार्य तो ये होता है। दूसरा कार्य होता है कि जैसे इसके अंदर जो पुर्जे फिट किए जाते हैं उनको ये स्थिर रखता है। दूसरा कार्य इसका ये हो गया। अब बात करते हैं, इसके अंदर एक स्टेटर हो गया, अब एक होता है रोटर, अब इसके अंदर ये हो गया कम्यूटेटर। ठीक है, अब ये कम्यूटेटर है, तो इसके अंदर पोल्स स्थापित किए जाते हैं, ये कर दिया एक पोल, ये कर दिया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये है चौथा। ये पोल स्थापित किए जाते हैं। अब कहोगे कि ये पोल क्यों स्थापित किए जाते हैं? हाँ दोस्तों, ये पोल इसलिए स्थापित किए जाते हैं, पहली बात तो ये कि जो अपन वाइंडिंग करते हैं उसे स्थिर रखने के लिए, उसे फंसाए रखने के लिए ये पोल स्थापित किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग ऐसा किया जाएगा कि इसके अंदर जो यहाँ हम रोटर काम में लेते हैं, अब ये घूमेगा, स्टेटर का स्थिर भाग हो गया। अब जो अपन रोटर काम में ले रहे हैं, ये रोटर घूमेगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र है जो यहां से उत्पन्न होगा, ऐसे उत्पन्न हो गया, और ये रोटर को टच करेगा तो इसका कटाक्ष पैदा होगा और ईएमएफ उत्पन्न होगी। अब दोस्तों, इसमें दो सिरे होते हैं। अब चुंबक की जहां बात हो गई, मैग्नेटिव की जहां बात हो गई, वहां हमें सदैव ध्यान रखना है कि इसके दो सिरे होते हैं, एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ। अब क्या करता है चुंबक है वो कैसे घूमेगी, चुंबकीय क्षेत्र वो कैसे घूमेगा, वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ घूमता रहता है। ठीक है,
ये साउथ से नॉर्थ की तरफ घूमता रहता है। अब बात करते हैं इसके, ये जो है रोटर स्टेटर, ये किस प्रकार से बने होते हैं, कौन सी चीजों से बने होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अगले इसके पोल्स के बारे में। पोल्स होते हैं, ये पोल हो गए। अब ये पोल्स है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पोल हो गए? एक तो हो गया सुसहित लेमिनेटेड पोल, एक हो गया सुसहित लेमिनेटेड पोल, तो दूसरा हो गया मोल्डेड पोल। अब सुसहित लेमिनेटेड पोल किसे बोलेंगे? अब ये पोल है अपना, इसको इसके ऊपर ये तो आ गया अपना सुसहित, मतलब जूते के आकार का, सामने से जूते का आकार जिसे दिया हुआ होता है वो होता है सुसहित लेमिनेटेड पोल। और जो सिंपल होता है जिसे बॉडी पे डायरेक्ट कसा जाता है उसे बोलते हैं हम मोल्डेड पोल। अब ये पोलों का कार्य क्या होता है? ये पोलों का कार्य ये होता है कि इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग हो गई दो प्रकार से, कौन कौन सी वाइंडिंग हो गई सर? ये वाइंडिंग हो गई, एक हो गई श्रेणी क्रम में और एक हो गई समानांतर में। अब श्रेणी और समानांतर में अंतर क्या है? श्रेणी और समानांतर में अंतर क्या है गुरु जी? श्रेणी और समानांतर में अंतर यह होगा कि एक अंतर तो यह होगा कि इसका प्रतिरोध ये मोटे तार की होगी। पहली बात तो जो श्रेणी है वाइंडिंग होगी वो मोटे तार की होगी। अब मोटे तार के होने की वजह से आप सबको पता है कि जहां हमने मोटा तार ले लिया लपेटों की संख्या कम होगी, और लपेटों की संख्या कम होगी और मोटा तार होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा, इसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। अब रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका टॉर्क, जो टॉर्क है वो उच्च हो जाएगा। यहां से हमें प्रश्न पूछा जाता है कि श्रेणी वाइंडिंग में, डीसी जनरेटर की श्रेणी वाइंडिंग में टॉर्क का मान होता है, तो टॉर्क का मान यहां हमेशा उच्च होता है तथा हमें जो प्रतिरोध का मान है वो हमेशा कम होगा और इसके विपरीत समांतर में होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम आर्मेचर की। आर्मेचर किसे बोलेंगे? ठीक है, अब इसके अंदर जो आर्मेचर आ गया, आर्मेचर हम किसे बोलेंगे? अब आर्मेचर होता है उसका कार्य सिंपल होता है। क्या होता है आर्मेचर का कार्य? आर्मेचर का कार्य इतना होता है कि आर्मेचर है जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूमता है, जिसकी वजह से ईएमएफ पैदा होता है। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होगी? ईएमएफ की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। और ये आर्मेचर क्या करता है? ईएमएफ पैदा करता है, और ईएमएफ पैदा करके क्या करेगा? सीधा कम्यूटेटर को दे देगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो वाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है उसमें भी स्लॉट्स होती हैं। अब वो स्लॉट्स आपको पता है स्लॉट्स का उपयोग कहाँ होगा? स्लॉट्स हैं वो या तो वाइंडिंग को फंसाने के लिए की जाएंगी, स्लॉट्स का उपयोग वाइंडिंग को फंसाने के लिए तथा अधिक से अधिक जो चुंबकीय क्षेत्र को काटने के लिए की जाएगी, क्योंकि अधिक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र कटेगा उसी वजह से हमारे अधिक से अधिक ईएमएफ पैदा होगा। और हमें तो डीसी जनरेटर का उपयोग ही केवल ईएमएफ पैदा करने के लिए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर किसका बना होता है? कम्यूटेटर बना होता है हाड्रोन तांबे का। हाड्रोन तांबे का कम्यूटेटर बना होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है? कम्यूटेटर होता है वो एक छोटी छोटी पत्तियों से, जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उनसे मिलकर बना होता है, जो लेमिनेटेड होती हैं। लेमिनेटेड कैसे होंगी? कि हमने क्या है उन्हें किसी लेमिनेटेड पदार्थ में से डुबोकर निकाला जाता है, और उसे फिर क्या करते हैं, कोई बेकेलाइट का, जो अपना बेकेलाइट का एक संरचना बनाई जाती है, इसके ऊपर कम्यूटेटर के ऊपर बेकेलाइट की संरचना बनाई जाएगी और उसके ऊपर इन पत्तियों को स्थापित कर दिया जाएगा। अब पत्तियों को स्थापित कर दिया गया, ठीक है, जैसे हमने पत्तियों को स्थापित किया, अब इसके बाद में इन पत्तियों को स्थापित करने के बाद में इसके बीच में जगह रह जाती है। अब ये जगह है, अब जगह है तो उसे खाली है, तो उसे किसी ना किसी चीज से भरना होगा, तो हम उसे भरेंगे माइका से। अब माइका जो अभ्रक है उसका एक खास बात ये होती है कि माइका जो है वो अपनी जो धारा है उसकी तो कुछ अलग होती है लेकिन ताप की सुचालक होती है, ये इसकी खास बात होती है। अब बात करते हैं कम्यूटेटर भी डीसी दो प्रकार से देगा हमें। कम्यूटेटर डीसी दो प्रकार से कैसे देगा देख लीजिए। कम्यूटेटर डीसी दो प्रकार से देगा हमें, जैसे ये कम्यूटेटर हो गया, ठीक है, अब इसमें दो दो विधि होती है, एक होती है स्लिप रिंग, एक स्लिप रिंग और एक स्प्लिट रिंग। एक होती है स्लिप रिंग, एक होती है स्प्लिट रिंग। अब स्लिप रिंग है वो क्या करेगी?
स्लिप रिंग है वो हमें एसी प्रदान करेगी। स्लिप रिंग का कार्य क्या होगा? एसी प्रदान करेगी, क्योंकि इसके अंदर दो वलय आकार की, गोला आकार की चकतियां रखी जाती हैं, जो किसकी बनी होती है? सिलिकन स्टील की, जो बनी होती है सिलिकन स्टील की। अब ये दो पत्तियां हैं, अब पता है कि दो पत्तियां लेंगे तो एक माइनस देगी एक प्लस देगी, इसलिए हमें एसी प्राप्त होगी। लेकिन जो स्प्लिट रिंग है उसमें केवल एक ही रिंग बनाई जाती है, उसमें एक ही रिंग दी जाती है और उसका है वो टुकड़ा कर दिया जाता है ऐसे, इसका बीच में से एक टुकड़ा रखा जाता है। अब क्या करेगा, एक ही आएगी, लेकिन ये किस प्रकार की आएगी? पल्सेटिंग, ऐसे इस प्रकार से विद्युत धारा है वो ऊपर है वो इस प्रकार से आएगी, फुल वेव प्रकार की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम जो दिष्ट धारा जनित्र है उसके बॉडी की, उसकी योग की। योग जो है उसकी बॉडी मतलब योग, वो है दो प्रकार से बनी होती है। दो प्रकार कौन कौन से होंगे? उसमें एक होगा कास्ट आयरन, दूसरा होगा कास्ट स्टील। अब कास्ट आयरन का उपयोग कहाँ किया जाता है तथा कास्ट आयरन का उपयोग कहाँ किया जाता है, यह आपको मैं बता देता हूँ। कास्ट आयरन का उपयोग वहां किया जाएगा जहां पर जो मशीनें हैं वो छोटे आकार की होंगी, लेकिन जो हाई जो पावर की मशीनें होती है, बड़ी मशीनें होती हैं, वहां कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा क्यों, ये भी बता देना चाहूंगा आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी मशीनें होती हैं, उनका भार है वो अधिक हो जाता है। वजह क्या होती है? कास्ट आयरन की। यदि कास्ट आयरन का उपयोग ही हम बड़ी मशीनों में करेंगे तो उसका भार तो और भी अधिक हो जाएगा और ट्रांसमिशन में ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं कास्ट स्टील का। एक बात और है कि कास्ट स्टील जो है, जो अपनी कास्ट स्टील है वो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र को अधिक अधिक प्रभावित करने वाली होती है बजाय कास्ट आयरन की। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि जो डीसी जनित्र है, डीसी जनित्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कैसे आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में रोटेटिंग करने वाले भाग को क्या बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रोटेटिंग करने वाले भाग को क्या बोला जाता है, तो उसमें बोला जाएगा उसे आर्मेचर, आर्मेचर। ठीक है, कम्यूटेटर भी रोटेटिंग करता है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है कि कम्यूटेटर है वो चुंबकीय क्षेत्र में रोटेटिंग नहीं करता है, वो उसके बाहर आके रोटेटिंग करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक डिवाइस और लगी होती है जिसको बोलते हैं कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश क्या होता है, कार्बन ब्रश होता है वो अपने कम्यूटेटर पे लगाया जाता है। कम्यूटेटर पे क्यों लगाया जाता है कि कम्यूटेटर है जो ईएमएफ पैदा होता है आर्मेचर में वो कम्यूटेटर पे आएगा और कम्यूटेटर को भी उसे बाहर देना होता है लोड को, तो वो बाहर देने के लिए हम कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं। अब ये कार्बन ब्रश का ही प्रयोग क्यों करेंगे, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि इसकी जगह और भी कर लेते लेकिन कार्बन ब्रश का ही उपयोग क्यों करते हैं, तो कार्बन ब्रश का उपयोग इसलिए करते हैं कि कार्बन ब्रश है एक ऐसा पदार्थ है, इसमें एक ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो क्या करता है, गर्म होने पर विद्युत धारा का सुचालक हो जाता है। अत्यधिक गर्म होगा तो यह विद्युत धारा का सुचालक हो जाएगा। और इसके अलावा इसका एक उपयोग और होता है कि यह जो हार्ड ड्रोन तांबे की पत्तियां हैं जो उसके ऊपर कम्यूटेटर पर स्थापित की जाती हैं, उनको घिसने नहीं देता, ये स्वयं घिस जाता है। इसमें एक गुण होता है कि इतना सॉफ्ट होता है कि यह स्वयं घिस जाता है, दिखने में हमें कठोर दिखेगा, सही है, दिखने में ये कार्बन ब्रश है हमें कठोर दिखता है लेकिन ये स्वयं घस जाता है, लेकिन जो अपनी पत्तियां हैं उसे कभी भी घिसने नहीं देता। अब क्या है दोस्तों, एक बात क्या है कि आर्मेचर है हाँ दोस्तों, मैं पॉइंट बाय पॉइंट नहीं चल रहा, मैं आपके समझने के हिसाब से इसे चला रहा हूं। जो वीडियो अपना बन रहा है वो अपने जो आप समझ सको, इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आप इसे समझ सको, ऐसे नहीं कि पहले मैंने ये पॉइंट दे दिया, ऐसे नहीं बनाया जा रहा है, आपके समझने के हिसाब से ही बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन आर्मेचर की। आर्मेचर जो है उसमें वाइंडिंग कैसे की जाती है, सही बात है, आर्मेचर में वाइंडिंग तीन विधियों से करते हैं। कौन कौन सी, जो आर्मेचर की स्लॉट्स होती है, आर्मेचर में स्लॉट्स स्थापित की जाती है, वो तीन प्रकार से स्थापित की जाती है। कौन कौन सी, एक तो इसमें क्या होता है खुले प्रकार की,
इसमें स्लॉट्स हैं, खुले होते हैं पूरे। इसमें क्या होता है, जो वाइंडिंग पहले से हमने वाइंडिंग कर ली और बाद में इसमें स्थापित कर दी। एक होती है अर्ध बंद प्रकार की। अर्ध बंद प्रकार की जो होती है वो इस प्रकार से होती है, जैसे अपने पंखे का रोटर होता है ना, उसमें अर्ध बंद प्रकार का ही उपयोग किया जाता है। इसमें क्या रहता है, वाइंडिंग तो पहले से स्थापित कर ली जाती है, लेकिन जो अर्ध बंद प्रकार का है वो अंदर नीचे से तो होता है बड़ा, इसका जो छिद्र है नीचे से बड़ा होता है, लेकिन ऊपर आते आते ये सिकुड़ जाता है। ये होता है अर्ध बंद प्रकार का। एक होती है बंद प्रकार से। अब बंद प्रकार से क्या होती है, बंद प्रकार से जो होती है वो जैसे ये अपना आर्मेचर है, ठीक है। अब ये आर्मेचर है तो इस आर्मेचर में क्या होता है कि ये छिद्र है, इसके आर पार ये छिद्र है। अब इसमें क्या होता है, एक एक तार को डाला, फिर पिरोया, फिर डाला, फिर पिरोया, फिर डाला, फिर पिरोया, ऐसे करके बंद वाइंडिंग में ऐसे किया जाता है, जिसमें अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसका उपयोग जैसे भारी मोटर वगैरह होती है उसमें इसका उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दिष्ट धारा जनित्र का उपयोग कहाँ होता है। तो दिष्ट धारा जनित्र का उपयोग उन स्थानों पर होता है जहां हमें डायरेक्ट डीसी की आवश्यकता होती है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, ऐसी जगह पर दिष्ट धारा जनित्र का उपयोग होता है। दोस्तों मेरी क्लास आपको अच्छी लगी, सब्सक्राइब जरूर करना तथा कमेंट करके हमें बताना कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।